हर आदमी अपने सेगमेंट पे एक परफेक्ट गाड़ी खरीदना चाहता ही चाहता है, इसीलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसी परफेक्ट गाड़ी लेके आया हूँ जिसको देखने के बाद आप दिल खुश हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सर्वेश, स्वागत करता हूँ आपका एसएस ऑटोमोटिव में। इंडिया में जो भी गाड़ी लेने के निकलता है, चाहे वो 5 लाख से 10 लाख की क्यों ना हो, तो अपने दिमाग में ये चीज़ बना के चलता है कि जो भी गाड़ी मैं लूँगा यार, उसमें यार बेहतरीन फीचर्स होना चाहिए, सब चीज़ें बेहतरीन होनी चाहिए, ड्राइवेबिलिटी से लेकर हर एक चीज़ ऐसा होना चाहिए कि कोई भी देखे तो कहे कि भाई तहलका उठा लाया, गाड़ी नहीं तो हर सेगमेंट में तहलका मचाती हो। लेकिन जब आप ये सोचिए जो 28 से 30 लाख की गाड़ी लेता होगा, उसके दिमाग में कितना बड़ा कन्फ्यूजन होता होगा, क्योंकि यार उस बजट में इतनी 4-5 ऐसी धुंधर गाड़ियां हैं ना, क्या कन्फ्यूजन तो पैदा होता ही होगा, चाहे 700 हो, सफारी हो, MG हेक्टर प्लस हो या फिर अल्कजा जैसी गाड़ियाँ हो। तो सोच ये गाड़ी कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन करती है। अगर आपको 700 लेना ही लेना है तो उसमें यार कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो मिल जाते हैं जो वाकई में यार सेगमेंट में यार उन गाड़ियों में बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलते। वो फीचर्स मैं इस गाड़ी की बता देता हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल रियर व्यू मिरर है, कॉर्नरिंग हेडलैम्प है, ऑटो बूस्टर हेडलैम्प, 7 एयरबैग, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स आपको 700 में देखने को मिल जाती है, बाकी सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में देखने को आपको नहीं मिलती है। अगर यार मैं MG हेक्टर प्लस की बात करूँ तो कुछ फीचर्स मिल भी जाते होंगे तो भी वो गाड़ी किसी भी उस तरीके से इसको कंपटीशन नहीं दे पाती, क्योंकि यार जब सफारी और 700 जैसी धुंधर गाड़ियों के यार बेहतरीन रगेड लुक के आगे उसकी लुक का कोई पहचान ही नहीं बन पाता। अगर अल्कजार की बात करें तो लुक वाइज काफ़ी हद तक वो टक्कर दे भी देती है, लेकिन फीचर्स में थोड़ी बहुत मार खा जाती है सेगमेंट में। तो वहीं पे इसका मेन कंपटीटर बन के आता है सफारी, लेकिन सफारी में 2-3 चीज़ें इससे कम मिल जाती है, जैसे कि इसमें पेट्रोल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता, इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, वो भी धुआंधार रॉकेट पेट्रोल इंजन आपको मिल जाता है। भाई इतना शानदार पेट्रोल इंजन शायद सेगमेंट में कोई भी इतना पावरफुल पेट्रोल इंजन नहीं देता है। बाकी यार कई ऐसे फीचर्स, ऐसे 7 एयरबैग, बूस्टर हेडलैम्प जैसे फीचर्स काफ़ी काम के फीचर्स है जो आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, इसलिए गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हद तक मैं देखा जाए तो सेगमेंट में काफ़ी लीडर बन जाती है। इससे 2-4 फीचर्स की वजह से ये गाड़ी काफ़ी हद तक लीडर बन जाती है। और रही बूट स्पेस, जो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं कि यार बूट नहीं मिलता, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं यार, कुछ नहीं यार, हमेशा आप 7 सीटर तो यूज करोगे नहीं, 5 सीटर यूज करोगे, तो इससे अच्छा है पीछे की सीट को डाउन करके कुछ इस तरह का आप बूट स्पेस बना सकते हो इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी का। देख सकते हो कितना बड़ा बूट आपको देखने को मिल जा रहा है, चाहो तो 50-50 स्प्लिट सीट भी मिलती है इसमें, ये भी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं जिससे आप चाहो तो एक लोगों को आराम से कंफर्टेबली बैठा भी सकते हो, अपने सामान को भी रख सकते हो, तो इस मामले में भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। पीछे से देखो कितने अच्छे से कवरअप किया गया है इस गाड़ी को, देख सकते हो इसका लग्जरी पैक है या टॉप मॉडल है। आखिर अगर अंदर आओगे देखोगे तो हर एक फीचर भी आपको थर्ड रो में मिल जाते हैं, जैसे कि थर्ड रो में एसी वेंट्स मिल जाते हैं, एसी वेंट्स के कंट्रोल भी यहीं पे आपको देखने को मिल जाते हैं थर्ड रो में। बाकी जो भी चीज़ें हैं इस गाड़ी में आपको सभी फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। 50-50 स्प्लिट सीट आपको थर्ड रो की मिल, यहाँ पे देखिए टूल किट वगैरह भी देखने को मिल जाती है। तो बाकी यार पीछे की रो में अगर थर्ड रो की बात करें तो सभी फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। अगर इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें तो अप्रॉक्स 28,16,000 रुपये में आपको DP ऑटो गोरखपुर में मिल जाती है। तो भाई प्राइसिंग भी ठीक है, इसी बजट में सभी गाड़ियां आती हैं। नीचे आप देखोगे आपको कार्बन ब्लैक में बम्पर मिल जाता है, स्किड प्लेट वगैरह भी देखने को मिलती है इसमें, आपको रियर पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं, देखो स्किड प्लेट सिल्वर में आपको मिलती है, काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। बाकी आप पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाती है, यहाँ पे AX7 लग्जरी की बैजिंग, XUV700 की बैजिंग आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप देखोगे तो यार महिंद्रा की लोगो मिलता है, साथ ही में रियर कैमरा भी आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यार पूरी LED आपको टेल लैंप मिल जाती है, फुली इंडिकेटर, रियर फॉग लैंप आपको हाइलोजन में मिलता है, बाकी सारी चीज़ आपको LED में ही देखने को मिलती है, फ्लोटिंग टाइप LED आपको मिलती है, रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, शार्किन एंटीना, रूफ रेल जैसी सभी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती है। एक्सटीरियर काफ़ी ज़्यादा शानदार है, साइड से गाड़ी बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगती है, काफ़ी यार डिज़ाइन जो इसका टेल लैंप का डिज़ाइन है और गाड़ी के डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगती है। अगर यार इसके यार फ्रंट के अगर कैबिन की बात करें ना, पहले चलिए इसका डोर देखो कितना वाइड ओपन हो रहा है, देख रहे हो एक XUV के हिसाब से यार डोर काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपन होता है, ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा है, पीछे का भी ग्लास एरिया अच्छा है, क्वार्टर ग्लास भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है देख सकते हो, लेकिन यार फ्रंट का ग्लास काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी यार अच्छी है, यार प्राइस ब्रैकेट का अच्छी है, ट्विटर आपको यहाँ मिल जाता है देख सकते हो, सोनी के साउंड आपको सिस्टम इसमें मिलते हैं, मेमोरी फंक्शन सीट मिल जाती है, 3 मेमोरी फंक्शन के साथ आती है, सिल्वर में आपको डोर लॉक मिल जाता है, ग्रैब हैंडल्स पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है, साथ ही में यार विंडो ओरविंग के सारे कंट्रोल यहीं पे आपको देखने को मिल जाते हैं, एलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल आपको विंडो मिलता है, साथ ही में आपको ये सब सॉफ्ट टच देख सकते हो, यहाँ पे नीचे आपको बॉटल होल्डर, सोनी के स्पीकर्स वगैरह सब आपको देखने को मिल जाते हैं यहीं पे, देख सकते हो यहाँ पे आपको पटर लाइट आपको मिल जाती है। बाकी यार बेहतरीन आपको इंटीरियर मिलता है, कुछ इस तरह का इंटीरियर मिलता है महिंद्रा XUV700 AX7 लग्जरी पैक का,
यहाँ पे आपको नहीं, यहाँ पे आपको नहीं मिलती एडजस्टमेंट। यहाँ से आप मेमोरी फंक्शन की तरह सीट को एडजस्ट कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी यार यहाँ पे बैठोगे तो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे फंक्शन बटन मिल जाते हैं, ट्रैक्शन के, आइडियल स्टॉप, हिल डिसेंट कंट्रोल और हेडलैम्प के सारे कंट्रोल्स आपको लेबलर वगैरह यहीं पे मिल जाते हैं। बाकी यार गाड़ी में बैठो, देखो गाड़ी में बैठने के बाद अब गाड़ी को मैं बंद करता हूँ, अब देखिए ऑटोमेटिक सीट मुझे एडजस्ट कर रही है। तो भाई इतने पैसे देने के बाद अगर ये फीचर्स ना मिले तो मज़ा ही किरकिरा हो जाता। बाकी गाड़ी का यार केबिन देखो कितना ज़्यादा बेहतरीन आपको केबिन देखने को मिलता है। यहाँ की यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे सारे कंट्रोल्स वगैरह मिलते हैं, लेदर ट्रीटमेंट मिलता है, माउंटेड कंट्रोल आपको लेफ्ट साइड, यहाँ पे महिंद्रा का लोगो, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल के सारे बटन वगैरह मिल जाते हैं। आप गाड़ी को ऑन करते हैं, देख सकते हो आरपीएम्स को वहाँ भी। भाई देखो ये गाड़ी ऑन हो गई है, गाड़ी में बैठने के बाद बहुत बेहतरीन आपको फीलिंग आएगी, लगेगा किसी महंगी प्रोडक्ट में आप बैठे हुए हो। तो ये चीज़ इस गाड़ी में बैठने के बाद पूरा लगता है, लगता है किसी बहुत ज़्यादा लग्जरी प्रोडक्ट में आप बैठ गए हो, इतना ज़्यादा शानदार इसका इंटीरियर और भी चीज़ें, क्लास्ट्रोफोबिक बहुत ज़्यादा बेहतरीन इस गाड़ी का लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बैठने के बाद, मज़ा आ जाता है इस गाड़ी में सारी चीज़ें। बाकी यार देखो ऑन हो गया है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको फुली डिजिटल आपको MID मिल जाती है, या फिर कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, हर तरह का इन्फॉर्मेशन देता है, देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। लगता है यार 28 लाख रुपए दे रहे हो तो कुछ चीज़ें आपको मिल रही है। यहाँ पे आपको 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, ब्लूटूथ, सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। एंड या फिर यहाँ पे इसमें एडास के सारे फीचर्स वगैरह भी सब मिल जाते हैं, वो फीचर्स बाद में कभी बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल टच रिस्पॉन्स वगैरह सब कुछ अच्छा है, हर तरह के फीचर्स आपको मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रडार वडार जो भी चीज़ें आती हैं सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाती है। देखो ज़्यादा फीचर्स बताने करके मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, बस इतना ही बोलूँगा कि गाड़ी में सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, टच रिस्पॉन्स वगैरह फिजिकली जो भी चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको इसमें देखने को मिल जाता है इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में। तो हर चीज़ सोनी के स्पीकर मिल जाते हैं, टोटल 12 स्पीकर मिलते हैं, काफ़ी अच्छा आपको क्या बोलते हैं साउंड क्वालिटी भी देते हैं, तो हर तरीके से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से परफेक्ट प्रोडक्ट है। बाकी नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो इंजन स्टार्ट ऑफ बटन मिल जाता है, एसी के कंट्रोल्स नीचे मिलते हैं। बाकी यार ये प्रीमियम टच काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ऊपर की क्वालिटी वगैरह काफ़ी सब प्रीमियम टच है जो काफ़ी अच्छा लगता है पैसे लगाए हो तो। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे कुछ बटन वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं, हजार लैम्प के, रिफॉगर वगैरह के जो भी बटन है सारे आपको बटन से भी होल्ड कर सकते हो सारी चीज़ आपको। देखो यहाँ पे पार्किंग देखो 60 कैमरा आप देख सकते हो, 60 व्यू कितना शानदार आपको आ रहा है इस गाड़ी में। कैमरे की क्वालिटी आप देख सकते हो कैसा है, इसमें हर तरह का व्यू आपको दिखा रहा है, देख सकते हो। तो ये चीज़ यार गाड़ी की बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, 360 व्यू कैमरा तकरीबन सब गाड़ियों में अब आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे वायरलेस चार्जर आपको मिल जाता है, ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिकली पार्किंग ब्रेक, बाकी यार और भी चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पे से भी आप हैंडल कर सकते हो इसके स्क्रीन को, अगर वहाँ से आप टच नहीं कर पा सकते हो तो। ये फीचर्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है कि अगर कोई टच ना करना चाहे, ड्राइवर है अगर चला रहा है गाड़ी तो यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकता है, तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा है। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल जाता है, एमरेस्ट के नीचे भी आपको काफ़ी अच्छी स्पेस देखने को मिल जाती है। बाकी यार क्वालिटी एक नंबर की, यार लेदर ट्रीटमेंट वाली सीट मिलती है, ग्लव बॉक्स भी काफ़ी बड़ा मिलता है, देख सकते हो कूल ग्लव बॉक्स वो भी बड़ा आपको मिलता है इसमें। बाकी क्वालिटी आपको बेहतरीन मिलती है, सब ऊपर आपको बीच में मिलता है, हर चीज़ आपको शानदार इसमें देखने को मिल जाती है। कोई वेंटी मिरर आपको नहीं मिलता है, ड्राइवर साइड ऊपर देखो ट्विटर आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है, यहाँ पे आपको सनरूफ के सारे कंट्रोल्स, पैनोरामिक सनरूफ मिलता है इसको, मून रूफ बोलता है महिंद्रा, ट्विटर वगैरह मिलते हैं आपको, यहाँ पे आपको मिल जाता है वेंटी मिरर विथ लैम्प के साथ, LED लैम्प के साथ आपको मिलता है, ठीक है यार सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। फिलहाल यार फंड में आपको कोई भी कमी नहीं मिलती है, गाड़ी में बैठने के बाद एकदम बड़ी सी महंगी वाली गाड़ी की फीलिंग आती है, ऐसा नहीं लगता है यार 28 लाख रुपए है तो एक ऊपर सेगमेंट की ही फीलिंग आपको इस गाड़ी में बैठने पे आती ही आती है। तो यार महिंद्रा ने जो बनाया है एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है, एक स्मार्ट तरीके से ऑलराउंडर प्रोडक्ट बनाया है XUV700। फिलहाल मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, फिलहाल महिंद्रा का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट मुझे यही लगता है। फिलहाल गाड़ी देखने में बहुत ज़्यादा शानदार लगती है, देखो यार फ्रंट से भी गाड़ी देखने में बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगती है। फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पे आपको फ्लोटिंग LED TRLs मिल जाते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर मिलता है, यहाँ पे बूस्टर हेडलैम्प आपको मिल जाते हैं, LED में ही मिलता है, आपको देख सकते हो पूरी फुल्ली LED आपको मिलती है, बूस्टर वगैरह सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, DRLs वगैरह यहाँ पे आपको LED में ही, फॉग लैम्प मिलता है देख सकते हो बीच में, नीचे आपको काफ़ी अच्छा
खासा लोअर ग्रिल मिलता है, कार्बन ब्लैक का यूज किया गया, बीच में आपको रडार मिल जाता है। बाकी यार ग्रिल काफ़ी शानदार लगती है, क्रोम का हल्का सा या सिल्वर फिनिश का यूज किया गया है, बीच में महिंद्रा का लोगो, यहीं पे आपको कैमरा देखने को मिल जाता है। काफ़ी शानदार है यार, गाड़ी देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेके चलोगे काफ़ी प्रीमियम लगती है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है इसमें यार ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे भी एक कैमरा आपको देखने को मिल जाता है, देख सकते हो। ये सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि कैमरे में आपको डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, बेहतरीन लगती है, हर तरीके से गाड़ी बहुत ज़्यादा शानदार लगती है। अगर इस गाड़ी की यार डायमेंशनली बात किया जाए ना, डायमेंशनली ये गाड़ी आपको लेंथ मिल जाती है 4695 mm की, वेथ मिलती है 1890 mm की, हाइट मिलती है 1755 mm की, व्हील बेस की बात करें तो 2750 mm की व्हील बेस इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। क्लैडिंग काफ़ी शानदार है, देख सकते हो क्लैडिंग पूरी गाड़ी में सराउंडेड की है, पतली गई है क्योंकि प्रीमियम बनाने की ज़्यादा कोशिश किया महिंद्रा ने इसे। बाकी यार व्हीलाज अच्छा है, देख सकते हो इसका यार सस्पेंशन कितने तगड़े वाले आपको मिलते हैं। बाकी यार यहाँ पे 235/60/18 inch के आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, देख सकते हो कितना ज़्यादा शानदार लगता है यार। अलॉय व्हील्स इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी मिलती है, ओआर व्हील्स मिल जाते हैं बॉडी कलर में, साथ ही में यार नीचे कैमरा भी मिल जाता है, यहाँ देख सकते हो नीचे कैमरा मिलता है। बाकी यार यहाँ पे डोर हैंडल्स देख सकते हो, सबसे अलग तरीके के डोर हैंडल्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, जो काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी गाड़ी साइड से देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है, मुझे तो बहुत बेहतरीन लगती है। आइए चलते हैं इसके यार सेकंड रो की सीट को चेक कर लेते हैं, सेकंड रो में कैसा स्पेस इस गाड़ी में देखने को मिलता है। बाकी यार देख सकते हो यार ग्लास एरिया कितना ज़्यादा बड़ा मिलता है, जो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वालिटी अच्छी मिलती है आपको, डोर अनलॉक 12 color में आपको मिलता है, पियानो ब्लैक फिनिश का भी यूज़ किया गया है। विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच में लेदर ट्रीटमेंट दिया गया है, वाटर होल्डर्स आपको रियर में मिलता है, साउंड सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पे हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं, टोटल 3 headrests मिलते हैं, एक आपको छोटा वाला मिलता है छोटे। बाकी यार क्वालिटी अच्छी है, लेदर ट्रीटमेंट है। आइए बैठते हैं गाड़ी में, इसके बाद बात करते हैं। देख सकते हो स्पेस कैसा मिला, थाई सपोर्ट तो बेहतरीन मिल रहा है, थाई सपोर्ट में कोई कमी नहीं है, बेहतरीन आपको थाई सपोर्ट। लेग रूम आप देखो कितना ज़्यादा शानदार आपको मिल रहा है, देख रहे हो बेहतरीन आपको लेग रूम देखने को मिल रहा है, 3 लोग आराम से इसमें आप बैठा सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है 3 लोगों में। बाकी यार यहाँ पे देख सकते हो ग्रैब हैंडल्स मिल जाता है, रीडिंग लैंप भी यहीं पे आपको देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरह का इंटीरियर मिलता है। महिंद्रा XUV700 AX7 लग्जरी पैक का 2023 काफ़ी शानदार इंटीरियर है, रियर AC वेंट्स आपको बीच में मिल जाता है, यहाँ पे आपको सी टाइप पोर्ट मिलता है फ़ोन चार्जिंग के लिए, यहाँ पे भी आपको रीडिंग लैंप मिल जाता है LED बेस में ही, देख सकते हो। बाकी यार पैरानोमिक सनरूफ मिलता है, पीछे की सीट आप देख सकते हो, पीछे की सीट भी काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलती है, इंटीरियर वगैरह बहुत अच्छा लगता है, बैठ करके लगता है यार हम एक एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी में बैठे हैं, 28-30 lakh की नहीं उससे ऊपर की ये गाड़ी आपको लगती है जब इस गाड़ी में आप बैठोगे, जेन्युइन लग्जरी प्रोडक्ट में आप बैठे हो। जो भी आपका पैसा लगा है वो एक पैसा जो एक एक पाई पाई ये गाड़ी आपको वसूल करके दे देती है। फिलहाल ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, इंजन ऑप्शन की बात करें पेट्रोल डीजल दोनों मिल जाता है, ये पेट्रोल इंजन है, 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो आपको 200 PSI पावर देता है, 380 Nm टॉर्क के साथ। माइलेज की बात करें तो महिंद्रा अप्रॉक्स आपको 30 km/L का माइलेज क्लेम करता है। बाकी अगर गाड़ी के इंजन की बात करें स्मूथ रिफाइंड सबसे रिफाइंड इंजन आपको मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा पावर जनरेट करता है, ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स बहुत स्मूथ है, रॉकेट है ये गाड़ी। मैं ऐसा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।